बलजिंदर, वंशिता, इशिमा। हाँ जी, हेलो बच्चे। हाँ जी, हाउ इज द क्लैरिटी ऑफ बोर्ड? इज इट क्लियर और नॉट? प्रदीप यादवीर, सुखमन, कुलदीप सिंह, जसवी, कुलविंदर, है ना? ओके। चलो, थोड़ी ही आए हो अजय। चलो, दैट्स ओके। हाँ जी, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड आर पोर्शन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, एंड द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वाज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है? तो आज जेड़ा आपा ने करना गा दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। आज आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं, विच इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है? द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हेलो सरबजीत। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? हाँ जी, वो हुण सिंपल माइक्रोस्कोप सी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच आपां ने पढ़िया सी कि देर इज ओनली वन कन्वैक्स लेंस, ठीक है? सिर्फ एक कन्वैक्स लेंज नू ही आपां की है एक सिंपल माइक्रोस्कोप बोल देने हैं, ठीक है? बट इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देर आर टू लेंजेस, ठीक है?
देर आर एक्चुअली टू लेंजेस. सो पहली चीज था सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच आपां लिखिया सी कि इट इज यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नू देखन दे लई की आपां यूज करते हैं. ठीक है, ते जेड़ा हुण एहे आ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज यूज टू सी इवन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मतलब पहला नालों भी ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स नू देखन दे की आ आपां नू यूज करते हैं. ठीक है, सो इट इज यूज टू सी हाईली मैग्निफाइड इमेजेस, हाईली मैग्निफाइड, नहीं इथे इथे चीज लिखन नु रहन, रुक जाओ. वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स लिख लो. ठीक है, वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नु देखन दे कम होगा. ठीक है, इस तो बाद नेक्स्ट थिंग है जेडी, दैट इज इट्स प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल सेम ही है रजे जेड़ा आपां उहदे विच पढ़िया सीगा सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच. ठीक है, की हुंदा गा प्रिंसिपल कि जेड़ा एक कन्वैक्स लेंज है. ठीक है, यदा मतलब बेसिक प्रिंसिपल तो सेम ही है रजे, कोई मर्जी माइक्रोस्कोप है. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल सेम ही रहना गा कि जेड़ा एक कन्वैक्स लेंज है. ठीक है, इट ऑलवेज फॉर्म्ज, ठीक है, एन इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज. ठीक है, व्हेन इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जदों उन्हों आप दे क्लोज लेके जाने हैं. ठीक है, जसप्रीत, हेलो जसप्रीत. ठीक है, सेम ही है, मैं इतने लिख नहीं रहा दोबारा, सेम एज द सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, इतने लिख रहे हैं मैं सिंपली. सो नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन. ठीक है, हुण कंस्ट्रक्शन दे विच सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच की सी ओनली अ कन्वैक्स लेंज. ठीक है, इथे दो कन्वैक्स लेंजेज ने. ठीक है, हेयर देर आर टू कन्वैक्स लेंजेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ. ठीक है, दो होंगे अगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंजेस, टू कन्वर्जिंग लेंजेस. ठीक है, वन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव, की बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर. ठीक है, स्मॉल अपर्चर. दूसरा है जेड़ा अदर जेड़ा है
उन्हों बोलते हैं राजे आईपीस की बोलते हैं आईपीस। हुण जिहड़ा ये आईपीस आ ठीक है, ये भी एक कन्वैक्स लेंज ही हुंदा गा, बट ये जिहड़ी फोकल लेंथ आ वह कह लो भी ये नालों ज़्यादा होएगी, मोडरेट लिख लेने आप आईपीस ऑफ मोडरेट फोकल लेंथ, मोडरेट फोकल लेंथ एंड बिगर अपर्चर, ठीक है, बिगर अपर्चर, इन्ना बिगर भी नहीं मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, बट बिगर देन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नालों बड़ा होएगा, देन ऑब्जेक्टिव। ओके हुण देखो इन्हां दी नेमिंग स्कीम की है राजे, ऑब्जेक्टिव तां लिखिया क्योंकि इट इज प्लेस्ड नैक्सट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपां उहनूं की आ ऑब्जेक्ट दे अगे रखदे हां, जां इहनूं ऑब्जेक्ट पीस लिख लो जां ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ां ने। दूसरा हैगा आई पीस, आई पीस वो आ जिहड़ा आपां अपनी आई दे अगे रखणा गा, ठीक है, मतलब जिहदे थ्रू आपां देखणा गा उहनूं, ठीक है। तां दो लैंजेज ने, बोथ कन्वैक्स बोथ जेडे लेंजेज ने रजे दे आर प्लेस्ड, बोथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली, कोएक्सियली इन अ ट्यूब, इन अ ट्यूब, ठीक है। हुण ये जेड़ा आपां लेंज यूज करते हैं, सॉरी जेड़ा माइक्रोस्कोप आपां यूज करते होंगे हैं, लैब्ज वगैरह दे विच जिहड़े तुसीं देखे होणगे ना, आपां इहदा मतलब देखदे हुंदे आ, जिवें इत्थे ऑब्जेक्ट रख्या, एक लैंज इत्थे होएगा आ वाली जगह ते, ठीक है, ते एक लैंज दे थ्रू आपां इहदा आई दे नाल देखदे हुंदे आ, ठीक है। सो दो लैंजेज हुंदे आ, एक ट्यूब, एक इस साइड लैंज ते एक इस साइड लैंज, समझ गए, जिहड़ा ऑब्जेक्ट दे सामने पिया दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, एंड जिहदे थ्रू आपां देखदे आ अपनी आई दे नाल ओह हुंदा आई पीस। कम तो देखो उस ट्यूब का ही आ, ठीक है, कम उस ट्यूब का ही आ। तरनप्रीत सॉरी फॉर लेट, नहीं अज सॉरी नहीं मिलनी की तुहानू ठीक है जी। देखो कम उस उन्नीक ट्यूब का ही हुंदा, बाकी जेड़ा अरेंजमेंट आ जिवें हुण काफ़ी हुंदा ना वो लंबा चौड़ा जेड़ा माइक्रोस्कोप हुंदा, बाकी है जेड़ा वो एडजस्टमेंट्स करन लई हुंदा सिर्फ, ठीक है, रैक एंड पीनियन अरेंजमेंट हुंदी है, मतलब आपां ओह स्क्रूज़ दे नाल उहनूं इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, उपर नीचे कर सकते हैं इस तरह लैफ्ट राइट, तां ठीक है ये चीज़ हैगी। सॉरी सर जी, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, दैट्स ओके। हाँ जी अमनदीप, हेलो सर, सॉरी फॉर लेट। चलो कोई गल नहीं, टाइम ते आया करो अगे तुम, ठीक है। अपना फिलहाल यही टाइम चल रहा 8 बजे दा ही, ठीक है, सो मतलब थोड़ा जा अपना फिक्र रख्या करो कि अज ओ मतलब ये आ भी हुण 2-3 विच दी 1-2 दिन काम पै गया सी तां नहीं आपां 8 बजे लगाई, ठीक है, थोड़ा जिहा मतलब इदा रख्या करो कि अज 8 बजे क्लास है तो नहीं, ठीक है, इन्ना कु देख लिया करो। ओके तो मैं देख रहा सीगा मतलब अद्धिया नालों ज़्यादा ने तो रीड ही नहीं सी कीता जिहड़ा मैसेज मैं पाया सी कि अज 8 बजे आ क्लास, सुते पए होंगे। चलो इस तो बाद ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन।
ठीक है जी। इस तो बाद यदि डायग्राम आएगी रे जी उदा ही है, ठीक है, जिस तरह आप सिंपल माइक्रोस्कोप किया सी, हुण इत्थे आपां इहदी की है डायग्राम बनाउणी है, ठीक है जी। तो डायग्राम बहुत ध्यान नाल बनाउणी है रजे दी, ठीक है। डायग्राम तो ही तुहाडा इह जिहड़ा अगे एक्सप्रैशन जिहड़ा आपां डिराइव करना फॉर द मैगनीफाइंग पावर, ठीक है, वह डायग्राम तो ही होएगा, ठीक है जी। चलो हाँ जी, जेडे होना ये अगे, ठीक है, सुन लो एक बारी, चलो मैं दस देना, रिपीट कर देना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप कर रहे हैं रजे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप है जेड़ा वो आप लिखा सी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नू देखने दे लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो जेड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ यह की आ, इट इज़ यूज टू सी ईवन स्मॉलर ऑबजैक्ट्स, ठीक है, मतलब वो नालों भी स्मॉल ऑबजैक्ट्स देखने दे लिए आप यूज करते हैं, ठीक है जी। तो प्रिंसीपल सेम आ जिहड़ा आपां उहदे विच पढ़िया सीगा अपने सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच, के जिहड़ा एक कन्वैक्स लेंज आ, इट ऑलवेज फॉर्म्ज अ वर्चुअल इरैक्ट एंड मैगनीफाइड इमेज, ठीक है, वैन इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द ऑबजैक्ट। नैक्सट कंसट्रक्शन आ, कंसट्रक्शन दे विच सिंपल माइक्रोस्कोप च रजे देर वाज ओनली अ सिंगल लेंस, सिंगल कन्वैक्स लेंस, ठीक है, बट हेयर इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देर आर बेस एक्चुअली टू कन्वैक्स लेंजेस, ठीक है, दो कन्वैक्स लेंज होंगे है, एक होंदा गा एक नू बोलते हैं ऑबजैक्टिव, ऑबजैक्टिव वो होंदा जिदे अगे ऑबजैक्ट रखते हैं, ठीक है। मान लो जिवें इत्थे ऑबजैक्ट रखिया तो ये अगे जिहड़ा लेंज आपां लगाउने आ, ठीक है, वह ऑबजैक्टिव होएगा, ठीक है। दूस ऑबजैक्टिव लेंज आ जिहड़ा इहदी फोकल लेंथ समॉल हुंदी आ, अपरचर भी समॉल हुंदा, ठीक है, उहदा जिहड़ा साइज आ उह भी की आ छोटा हुंदा गा। दूसरा जिहड़ा लेंज आ दैट इज़ कॉल्ड द आई पीस, उहनू की बोलते हैं आई पीस, आई पीस तां बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उहदे थ्रू आपां अपनी आई दे नाल उस ऑबजैक्ट नू जिहड़ा गा देखना हुंदा गा, ठीक है, दैट्स वाई द नेम इज़ आई पीस, ठीक है। जिहड़ा आई पीस आ इहदी फोकल लेंथ आ जिहड़ी उह मोडरेट जी हुंदी है, मतलब ना वाली ज़्यादा ना वाली घट, ठीक है। तो इहदा अपरचर आ जिहड़ा उह वड्डा होएगा, ठीक है, इह साइज़ दे विच वड्डा हुंदा दैन दैट ऑफ द ऑबजैक्टिव, ठीक है। दोनों ही जिहड़े लेंजेज ने एक ट्यूब दे विच लगे हुंदे, जिवें एक साइड आई पीस जिहदे थ्रू आपां देखणा, ते दूसरा हुंदा गा ऑबजैक्टिव जिहदे अगे ऑबजैक्ट रखदे हां, ठीक है। सो नैक्सट, इस तों बाद है राजे आपां एक्सप्रैशन डिराइव करना गा हुण इहदी मैगनीफाइंग पावर दे लई, ठीक है, मैगनीफाइंग पावर दे लई। कोर्स ऑफ रेज देख लो, ये बहुत ध्यान नाल बनानी है, ठीक है, डायग्राम आ जिहड़ी, ओके, देखो कोएक्सल होंदे आ, एक्सिस आ जिहड़ी सेम होएगी उहनां दी, ठीक है, जिदां इत्थे इधर नूं ही बना लेना, ठीक है, थोड़ी जी वड्डी बना लेने आपां डायग्राम, जिवें ये हैगा है अपने कोले ऑब्जेक्ट लेंस, इधर थोड़ा जा वड्डा बनाउणा गा इहदे नालों लार्जर अपरचर दा, ठीक है, ये हैगा गा अपने कोले आई पीस या आई लेंस, ओके। सो लेट दिस बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हैगे आ रजे इन्हां दे सेंटर्स ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर्स, ठीक है, ये की आ ऑप्टिकल सेंटर्स ने, नेम दैम टू बी सी वन एंड सी टू, ठीक है, सी वन ते सी टू आपां नेम देना गा। हुण ऑबजैक्ट देखो, ऑबजैक्ट कित्थे रखना गा आपां ने, ऑबजैक्ट कित्थे रखना गा,
इस लेंज दे अगे ठीक है, एक ही है ऑब्जेक्टिव है जी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फाइन, एंड दिस वन इज द आई पीस। हुण लॉजिक देखो कि छोटे बड़े इदा क्यों ने गे ठीक है। जेड़ा ए लेंज का अपर्चर छोटा होने का रीजन ए है क्योंकि जेड़ा ऑब्जेक्ट है इट इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल ठीक है, वह की है बहुत ज़्यादा स्मॉल आ, तो वो तो जड़िया रेज निकल गया वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा की है क्लोज होंगे ने ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कैप्चर मैक्सिमम रेज द अपर्चर ऑफ लेंज इज कैप्ट स्मॉल ठीक है, ए की है स्मॉल होंगे गा ठीक है जी। अगर मतलब ऑब्जेक्ट वड्डा होवे तां उहदे च जिहड़ियां रेज ने वो मतलब एक दूसरे नालों डिस्टेंट होंदियां ने ठीक है, तो उत्थे आपां नूं वड्डे अपर्चर की जरूरत पैंदी है ठीक है। सो लैट दिस बी द ऑब्जेक्ट, लैट दिस बी द ऑब्जेक्ट, उही दो रेज लै लो राजे, सॉरी चलो ठीक है, ए वाली चीज होगी। हुण जिहड़ी आह पैरलल रे आ रही है ये कित्थों पास होंदी होंदी है, फोकस चो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ठीक है। तो इन्हां नूं मीट कर लो थोड़ा जिहा, मतलब इधर जल्दी हुई, एक मिनट रुको क्योंकि अपने कोले बहुत ज़्यादा जगह नहीं हैगी जी इतने ठीक है, तो बस मैं मीट करवाता बस इन्हों। ठीक है सो इतने हुण की आ, इतने बनेगी इमेज ओके, इतने अपने कोले की आ इमेज बनेगी, तो यह की आ मैग्नीफाइड होएगी ठीक है। ए ऑब्जेक्ट अपने को ए बी, आ इमेज बन गई ए डैश बी डैश ठीक है, ए की बन गई अपने को इमेज बन गई यदि ठीक है। इतने लेंज है जोड़ा थोड़ा जहाँ अपन होर बड़ा करना पड़ेगा ओके, तो आई सुजैसट यू टू पहला देखो एदी इमेज बनाओ, पहले दी इमेज बनाओ ठीक है, आ लेंज तुसी बाद च बनाउणा गा, लेंज आ जिहड़ा इहनू बाद च बनाओ ठीक है, क्योंकि देखो आपां ने फ्री हैंड डायग्राम बनाउणी है ठीक है, एंड चांसेज ऑफ मिस्टेक्स आर हाई ऑब्वियस ठीक है। तो की करना गा, पहला एदी इमेज बन गई ठीक है, हुण आह वालियां जिहड़ियां रेज ने इन्हां नूं इस तरह लै जाओ, सीधियां लै जाओ इदा अगे जिथे तक भी जांदियां ने ठीक है, जिवें इत्थे तक चलियां गईयां ठीक है। तो हुण जिहड़ा तुसीं लेंज बनाओ इत्थे ठीक है, इस तरह ठीक, मतलब थोड़ा जिहा वड्डा लेंज आ जिहड़ा वो बनाउणा गा तुसीं, आह वालियां रेज ने जिहड़ियां वो एदे विच जाके की आ वो होनियां चाहीदियां अपने कोल, एदे विच जानियां चाहीदियां। हुण ये की आ इन्हां नूं ठीक है, इदां रिफ्रैक्ट होणगियां दोनों रेज इस तरह ठीक है, ते इधर तक कितने मीट होना नहीं गया इन्होंने, इधर की आ कितने भी मीट नहीं होने गया। हुण आ की सी देखो ये हैगा फोकस, ये फोकस आ ठीक है, सो जिस पॉइंट के उपर जाके रजे ये की आ मीट हो जाए ने, इधर मीट होंदिया हुई अपीयर होन मीनस ठीक है, उस पॉइंट के उपर अपने कोले की आ इमेज आ जिहड़ी वह बनेगी फाइनल इमेज ठीक है। तो जिहड़ी फाइनल इमेज आ दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड ठीक है, जिहड़ी फाइनल इमेज आ वो की आ हाईली
मैग्नीफाइड होगी, ओके। इनू मैं नेम दे रहा इतने ए डबल डैश बी डबल डैश, एक मिनट मैनू ओह कर लन दो, चेक कर लन दो कि सही हैगी है या नहीं। रुक जाओ एक मिनट, वेट। हाँ जी हुण बना लो राजे। हम सही है, करना की है देखो। वाह, सॉरी फॉर लेट। कितना टाइम लेट? 38 मिनट्स लेट ना, 30 मिनट्स लेट। देखो दोबारे क्यों बनाई आप डायग्राम, ठीक है। इथों रजे आ वाली जी रे हैगी, एक ए वाली लैके जानी जरूरी है। इत आ देखो, इथों होंगी हुई जिथे आ पहली इमेज बनी सी, ठीक है। ये तो लैके जानी आप ऑप्टिकल सेंटर दे थ्रू, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर दे थ्रू लेके जानी है इस तरह, ठीक है। ये जरूरी आ, वो तां की जरूरी क्योंकि आपां नूं जजे एंगल चाहिदा होगा। सानू ठीक है, आपां नूं एंगल चाहिदा हो। याद करो मैग्नीफाइंग पावर आपां पढ़िया सीगा, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, वो होंगे ना। तो इमेज आ बन रही है, देखो हूँ इमेज इतने बनेगी, ठीक है। सो इमेज वाला एंगल आपू इत की है चाहिए होएगा, ठीक है। सो ता करके आप वाली जी रे लैके आनी पी है, सो इतें बनेगी हूँ इमेज। दिस विल बी द इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है जी। ए डायग्राम है इनकी सौखी जी। बना लो डायग्राम, बना लो, ठीक है। एक्सप्रेशन तो कोई बड़ा नहीं हैगा, कहता मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं हैगा, डायग्राम आ बस मेन ध्यान देने वाली चीज़ है जी। आ जड़ी आई आ वो इधर बनानी है इतने, ठीक है। आ ऑब्जेक्टिव सी, आहा आई पी सा, यही है देखो जड़ा ध्यान दो।
एफ ही है, एफ ओ क्यों लिखा? फॉर ऑब्जेक्टिव, आ ऑब्जेक्टिव लाइन जा देखो, इधरों रे आई इतने मीट हुई, ए थ्रू पास हो रही है पैरेलल रे, ठीक है, मतलब ये फोकस हो गया, फोकस किया एफ ओ, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। इसी तरह एदा जेड़ा फोकस है, देखो एदा फोकस कित्थे होएगा राजे, ध्यान दो, अपने कोले जेड़ी इमेज आ ओहो बन रही है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड बन रही है ते हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, एदा मीनिंग की है कि याद करो आप जेड़े कन्वैक्स लेंजेज दे केसेज पढ़े सी, ठीक है, जेडे कन्वैक्स लेंजेज दे आपां ने केसेज पढ़े सी ना, एदा फोकस एदा मतलब इधर वाली साइड होएगा, इधर एस वाली साइड होगा, वो क्यों होएगा, क्यों होएगा रजे, नहीं, गलत हो गया, देखो एदा फोकस आ जेड़ा वो इस साइड होगा, इधर वाली साइड होगा, वो क्यों आ, देखो ध्यान नाल ये सुन लियो ध्यान नाल, ठीक है, क्योंकि जिहड़ी इमेज आ ओहो अपने कोले वर्चुअल एंड इरैक्ट बन रही है, ध्यान दो, देखो आ ऑब्जेक्ट सी, एक्चुअल ऑब्जेक्ट अपना की आ ए बी आ, इन ऑब्जेक्टिव लेंज ने दी इमेज बनाई ए डैश बी डैश, हुण जिहड़ा ए डैश बी डैश आ, ठीक है, ये वर्क कर रहा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंज, समझे, आ आई पीस दे लिए ऑब्जेक्ट केड़ा गा जिहड़ी इन्हें इमेज बनाई है, देखो ये तो ही रेज गई है, ए तो ही रेज जा रही है इधर नू, ठीक है, सो इदा गई, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट दे विद रिस्पेक्ट टू अगर आप देखिए तो इमेज है जी वो एक्चुअल दे विच वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है, आ देखो ए नीचे नू है, दा नीचे नू है ना, तो यदि इमेज है जी वो की बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है, ए विद रिस्पेक्ट टू देखांगे तो रियल एंड इनवर्टेड है, बट क्योंकि एस लेंज लई ऑब्जेक्ट केड़ा गा ए आ, ए डैश बी डैश, ठीक है, तो ए विद रिस्पेक्ट टू जी इमेज आ वो वर्चुअल एंड इरैक्ट आ, हुण तुसी खुद सोचो कन्वैक्स लेंज आ जिहड़ा वो वर्चुअल एंड इरैक्ट इमेज कदों बनाउंदा हुंदा रहे, जदों ऑब्जेक्ट आ जिहड़ा वो फोकस ते ऑप्टिकल सेंटर दे विचकार पिया होवे, ठीक है, इहदा मतलब जिहड़ा फोकस आ वो इस साइड होगा, ठीक है, हाँ जी समझ लगी रहे जी, डायग्राम देखो एक बारी ध्यान नाल, कोई डाउट आ तो डायग्राम दे विच पूछ सकते हो, हाँ जी रजे दस्यो, सर डायग्राम समझ तो आ गई बट ड्रॉ नहीं हुई, ऑप्टिकल सेंटर चो क्यों पास होनी चाहिए,
हाँ ऑप्टिकल सेंटर दे विचो देखो पास होन वो तां जरूरी है जे ध्यान दो देखो आ अपने इमेज बनी है ना ठीक है ए इमेज का जेड़ा एंगल आ वो सिर्फ आपां मतलब आपां एंगल कित्थे लेना हुंदा एट द ऑप्टिकल सेंटर देखो जदों आपां मैग्नीफाइंग पावर आ जेड़ी वो फाइंड करनी है तो आप आ करते हुंने एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ठीक है तो जेड़ी इमेज वाला एंगल आ रहे वो इतने ही आऊगा और आप एंगल ले नहीं सॉरी बीटा आएगा है और आप कितने एंगल नहीं ले सकते ठीक है जेड़ा एंगल होंगे चाहे वो सबटेंडेड बाय इमेज आ चाहे ऑब्जेक्ट आ ठीक है आ एंगल बनाने लिए बेसिकली आप इनू पास करवाया ऑप्टिकल सेंटर के ठीक है देखो ये कोई बड़ी गल नहीं हैगी ठीक है आप जिन्या मर्जी रेज ले लिए नो प्रॉब्लम ठीक है एटलीस्ट टू चाहिए होंगे मैक्सिमम जिन्या मर्जी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी सर मेरी भी नहीं हुई मैं 3 बार बना के देख ली ईशिमा एफ ई मीन्स फोक हाँ जी एफ ई मीन्स फोकस ऑफ आई पीस ठीक है आ एफ ओ सी आहा एफ ई है ठीक है मैं भी थर्ड टाइम बनाई है मैं भी थर्ड टाइम ही बनाई सी कोई ना टेंशन नहीं लेनी टेंशन नहीं लेनी ठीक है बात तो ये मान लो भाई थोड़ा धक्का करना पैंदा डायग्राम नाले इतना एंड बस होर तो नहीं कुछ है एच यू डी ते एफ ठीक है हाँ जी एक और चीज करनी है वन मोर थिंग वी हैव टू डू देखो जेड़ा होना ए ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट वाला एंगल भी तो लेना ना अल्फा ठीक है बीटा तो चलो इतने आ गया इमेज वाला अल्फा भी लेना आप अल्फा कितने लवेंगे इतने भी आप आ चीज करनी पू जिन्ना ऑब्जेक्ट आ उन्ना इधर कट करो इतने कट कर लिया ठीक है आ देखो आ वाली चीज दिख रही है ना ये जिन्ना एंगल बनाएगी एस पॉइंट दे ऊपर इतने आ अल्फा का ठीक है एंगल तुसी ऑब्जेक्ट दा इहदे नाल नहीं लेना आपा फाइनल जेड़ा लेंज है अपना फाइनल इमेज जिथों बन रही है उथे ही आपा जेड़ा ठीक है एंगल आओ ऑब्जेक्ट दा लेना ठीक है जी चलो लेट वी प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन कट क्यों गए स्टूडेंट्स फिफ्टीन सिक्सटीन तो ट्वेल्थ ते आ गए हाँ जी ए हुण डायग्राम इदा ही रखनी है आपां ठीक है बाकी अरेंज कर देने हैं हाँ जी एक्सप्रेशन का दे ले डिराइव करना रजे अपन ने मैग्नीफाइंग पावर दे ली ठीक है मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर नू आप बीटा दे नाल लिखते हैं ठीक है हुंदा का दे इक्वल मैं थे बार बार डिफाइन नहीं करूं बट तुसी डिफाइन करना होएगा ठीक है इन केस तो एग्जाम दे विच आउंदा गा ठीक है
क्योंकि उत्थे तो एक ही होगा, पता हुण करी जा रहे हैं, जिवें सिंपल माइक्रोस्कोप च इहनूं डिफाइन किया, इत्थे कंपाउंड च करांगे, फिर अगे एस्ट्रोनॉमिकल टैलीस्कोप दे विच भी करना गा, ठीक है। सो एम कादे इक्वल हुंदा गा राजे, रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इस तो बाद की करते हों आप एंगल जो समॉल लेने होंने, ठीक है, क्योंकि अपर्चर ने जोड़े वो समॉल आ, एज द एंगल आर समॉल, सो बीटा कैन बी टेकन एज टैन ऑफ बीटा एंड द अल्फा कैन बी टेकन एज टैन ऑफ अल्फा, ठीक है राजे। सो की आ जाएगा फिर, एम इज इक्वल टू टैन ऑफ बीटा ओवर टैन ऑफ अल्फा, ठीक है, टैन ऑफ बीटा ओवर टैन ऑफ अल्फा। हुण टैन ऑफ बीटा ते टैन ऑफ अल्फा दियां वैल्यूज पहलां तां लैणियां राजे, ठीक है। देखो टैन ऑफ बीटा ते टैन ऑफ अल्फा गए जिहड़ा ओह किहड़ियां किहड़ियां ट्राइंगल्स दे विच आ रहे नेगे, ठीक है। पहला एंगल टैन ऑफ बीटा, ठीक है, इन ट्राइंगल, हाँ जी देखो केड़ी ट्राइंगल चाह रहे हैं, बीटा एंगल है जिहड़ा, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ठीक है। तो इतों टैन ऑफ बीटा का जिहड़ा एक आधे इक्वल आएगा, हाँ जी की आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर, ओवर की होंगे बेस, बेस किन्ना गा सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश। इसे तरह जेड़ा टैन ऑफ अल्फा फाइंड करना, टैन ऑफ अल्फा केड़े दे वेचा, देखो इतने बी डबल डैश आ, इतने कोई पॉइंट नहीं लिया है ना, अपन ने की लोंगे डी ले लो, डी लिख लो, अपन नूं किवें पता लगू भी टैन लैना गा, टैन ही लवेंगे राजे, ठीक है। उहदा रीजन की आ, देखो कि जिहड़े आ बाकी अपनियां टी रेशोज ने उहनां दे विच हाइपोटन्यूज आउंदा गा, तुसीं कॉट लै सकदे हो, कॉट लै सकदे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, बट साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है, इसे तरह सीकेंट कोसीकेंट, उहनां दे विच अपने कोले हाइपोटन्यूज आऊगा, हाइपोटन्यूज दा अपन नूं इत्थे कोई भी कम नहीं हैगा, ठीक है। उहनां दे नेम जी नहीं पता अपन नूं, आ तो चलो परपेंडिकुलर आ जिहड़ा, ये तो हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जां साइज ऑफ इमेज, ठीक। बेस ने जिहड़े ये हो जाएंगे जां तां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जां इमेज डिस्टेंस जां फिर फोकल लेंथ होएगी, ठीक है, तां करके आपां टैन लैंदे हां, इत्थे यही रीजन आ बस। उन साइन कॉस लै सकते हो, बट उहदा आपां नूं फायदा की होएगा, ठीक है, उहदा फायदा नहीं ना होएगा कोई, हाइपोटन्यूज का कोई कम ही नहीं है ये बिच, कितने भी ऑप्टिक्स के आप हाइपोटन्यूज की गल नहीं करते कदे भी। ठीक है, इस तो बाद टैन अल्फा फाइंड करना हूँ आपने, होना जो केड़ी ट्राइंगल दे विच इन ट्राइंगल सी टू डी बी डबल डैश, सी टू डी बी डबल डैश, ठीक है। इस ट्राइंगल दे विच जिहड़ा टैन ऑफ अल्फा गा वो कदे इक्वल आ जाएगा, हाँ जी परपेंडिकुलर हैगा बी डबल डैश डी अपॉन सी टू बी डबल डैश,
ठीक है, नीचे दोनों दे सेम ही आएंगे, सी टू बी डबल डैश। ओके सो हूँ देखो ये दोनों कैंसल आउट भी हो जाएंगे, नीचे वाले जेडे ये दोनों की है कैंसल आउट भी हो जाएंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। हाइपोटन्यूज कितने भी कैंसल नहीं सी होने, ठीक है। सो बी डबल डैश है जेड़ा, बी डबल डैश डी है जेड़ा, वो कहते एक कोला ए बी दे, देखो ए बी जिन्ना ही कट किया सी उन्हों, ठीक है, तो इनू तुसी सीधा ए बी लिख लो, ए बी ओवर सी टू बी डबल डैश, फाइन। इस तो बाद हुण इत्थे वैल्यूज पुट करो एम दे विच, टैन ऑफ बीटा ते टैन ऑफ एल्फा दोनों दियां वैल्यूज, एम इज इक्वल टू टैन बीटा की वैल्यू की है राजे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डबल डैश ओवर टैन ऑफ एल्फा की वैल्यू ए बी ओवर सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश दोनों कैंसल आउट, की रह गया अपने को एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए बी, ठीक है जी, ओवर ए बी आ गया। हमने किया फाइन साइज ऑफ फाइनल इमेज ओवर साइज ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ फाइनल इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तो बाद देखो आ चीज करनी हूँ अपने लिए रजे डिफिकल्ट, इमेज जड़ी आ वो इन्हें बनाई आ आईपीस ने, ऑब्जेक्ट आ जड़ा वो इहदे अगे पिया होया, ठीक है, तां वी विल फाइंड डिफिकल्टीज इन प्रोसीडिंग फर्दर इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। तां इहनूं आपां एक चीज करदे हाँ, की करदे हाँ, ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डैश बी डैश इनटू ए डैश बी डैश ओवर ए बी, देखो आ वाली चीज करती है अपन ने, ठीक है, ये की है हुण ध्यान दो, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश नाल आपां मल्टीप्लाई करता ते उहदे नाल ही डिवाइड भी करता, ठीक है, इहदे नाल डिवाइड ते इहदे नाल मल्टीप्लाई। ओके हुण इहदा फायदा की होएगा आपां नूं, फायदा ये होएगा देखो जिहड़ा आगा ए डबल डैश बी डबल डैश ए की आ फाइनल इमेज है, ए डैश बी डैश की आ ए लिए ऑब्जेक्ट सी, देखो ध्यान नाल आई पीस दे लिए की सी ये ऑब्जेक्ट सीगा, ठीक है, तो यदा मतलब की है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट किदे लिए फॉर द आई पीस, मतलब ये की हो गया एम ई, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। सिमिलरली जेड़ा आहा गया ए डबल डैश सॉरी ए डैश बी डैश ओवर ए बी, ए डैश बी डैश एस ऑब्जेक्टिव दी अगर आप गल करिए, तां इहदे लई ए डैश बी डैश की आ इमेज आ, ए बी की आ उहदे लई ऑब्जेक्ट आ, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए की आ गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, देखो सही है, ठीक है, अलग अलग हो गया दोनों दियाँ, फाइनल भी फाइनल फाइनली फाइंड कर रहे हैं, बट दोनों नू आप अलग अलग कर लिया थे, ठीक है, आ ऑब्जेक्टिव दे ली आहा नहीं ओ आई पीस दे ली ते दूसरा ऑब्जेक्टिव दे ली, ठीक है। हुण जिहड़ी एक मिनट वेट करो रोज।
हाँ जी राजे, देखो एम ई ते एम ओ जिहड़ा आपां इह केस कर रहे हां हुण इत्थे, ठीक है, आपां लै रहे हां कि जिहड़ी इमेज आ ओह बन रही आ एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इहनूं की लै रहे हां आपां, डी लै रहे हां, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, हुण इह लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला आपां लास्ट सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच भी कीता सीगा। ठीक है, तां एम ई वाला तां आ जाएगा की आया सी अपने कोले, 1+D/F आई सी मैनूं लगदा, 1+D/FE आ जाएगा। देखो ध्यान नाल, ठीक है, याद करो जिहड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच आपां कीता सीगा ना, मैगनीफाइंग पावर फाइंड कीती सी जदों ऑब्जेक्ट जिहड़ी इमेज आ उह बन रही है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तां एम ई दे लई तां ही आ गया 1+D/FE। ठीक है, एम ओ आ जिहड़ा इह कदे इक्वल होएगा, हाँ जी एम ओ मैगनीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इह कदे इक्वल आएगा हुण, हाँ जी की हुंदी है की राजे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਤੇ ਯੂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੂ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਓ ਤੇ ਯੂ ਓ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, नेगेटिव ची आऊ ना, नेगेटिव ची आऊगी क्योंकि यू आ जड़ा वो नेगेटिव आ, वी ओ ओवर यू ओ ये तो पढ़े ही हुए आपने। हाँ माइनस दे विच आ जाऊगा, पता ना है तुहानू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਚ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਐਚ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਓਬਜੈਕਟ, ਇਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਪੋਨ ਯੂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਓ ਓਵਰ ਯੂ ਓ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਓ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके राजे, ते बस एक तां ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, एक तां ये आ जाएगा, इनू इनबॉक्स कर लो। ठीक है, 1+D/FE इंटू वी ओ ओवर यू ओ, चलो बस इन्ना बहुत आ रजे, बहुत आ ना, इतने तक ही करो इन। ठीक है, इस तो बाद तुसी की करना गा, अगे एदा स्पेशल केस हैगा एक तो। ठीक है, स्पेशल केस ये आ कि जदों जेड़ा ऑब्जेक्ट आ ओहो बहुत क्लोज होवे एफ ओ दे, नहीं ना इनू रहन दो, छड़ो परे, छड़ दो बस, यदि एप्लीकेशन वो कर लियो, यूजेज कर लियो। ठीक है, बस इन्ना बहुत। ठीक है राजे, मैडम दी थोड़ी जी तबीयत खराब आ, मैं जाणांगा हुण। ठीक है, सो इनू कर लो ध्यान नाल। ठीक है, एक बारी जरूर रिवाइज जरूर कर लियो। ओके, ते कोई डाउट है तां पूछ सकदे हो राजे, हाँ जी जल्दी दसो, अगर कुछ पूछण वाला हैगा तां पूछ लो। ठीक है,
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਯੂਜਿਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ।